हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति पारेख एंड वेलकम बैक टू इकम एजुकेशन चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वी लुकअप एंड मैच फंक्शन टुगेदर। सो तो गाइस स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप और मैच फंक्शन को हम कैसे समझेंगे, साथ में कैसे उसको अप्लाई करेंगे, हम वो आज पढ़ेंगे। सो ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि वी लुकअप क्या होता है, जैसे वी लुकअप कैसे वर्क करता है। वी लुकअप हमारा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। एंड किसी भी पर्टिकुलर डेटा से कुछ भी फाइंड करना है तो हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं। एंड जो डेटा है, डेटा शुड बी इन वर्टिकल ऑर्डर। डेटा अगर वर्टिकल ऑर्डर में नहीं है तो हम वी लुकअप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करते हैं, फिर हम समझेंगे कि वी लुकअप के साथ हम मैच फंक्शन क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम वी लुकअप यहाँ अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम जो कोर्स हैं, ये जितने भी हमारे यहाँ पे कोर्स हैं, उसके लिए एक हम जो है डाटा तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो डेटा वैलिडेशन से हम एक रेंज जो है वो तैयार करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करते हैं। ये जो टैली से लेके यहाँ पे पूरा होल लिस्ट शिफ्ट के ज़रिए आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ ओके करेंगे तो जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो देन हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं कि अगर हमें किसी भी कोर्स का ड्यूरेशन निकालना है, फ़ी निकालना है, या डिस्काउंट निकालना है, या डिस्काउंट अमाउंट कुछ भी यहाँ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ड्यूरेशन डाला हुआ है, तो अगर हमें ड्यूरेशन निकालना है इनकम एंड टैक्स का या किसी भी कोर्स का, तो हम वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो एक बार हम अप्लाई करके देखते हैं टैब से। अब ये सिंटेक्स पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सिंटेक्स को पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। डोंट ट्राई कि आप हर चीज़ मतलब जस्ट रटो हर फॉर्मूला को, क्योंकि वो होगा ही नहीं। सो यहाँ पे हमें बोल रहा है लुकअप वैल्यू। सो हमें लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हमें कोर्स में से हमें किसी भी एक कोर्स का पर्टिकुलर ड्यूरेशन जानना है। जैसे मुझे यहाँ इनकम टैक्स का जानना है, तो उसके लिए मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो यहाँ पे इनकम टैक्स है। तो उसके लिए मैं इनकम टैक्स को सेलेक्ट करूँगी, देन कॉमा, देन वो रहा है टेबल अरे। सो सेलेक्ट दी होल टेबल फ्रॉम टैली टू फोर मंथ, यहाँ पे शिफ्ट करके मैंने ये सारा डेटा जो है, सारा टेबल जो वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर हमें क्या बोल रहा है सिंटेक्स में कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे पता करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ड्यूरेशन जो हमें जाननी है इनकम टैक्स की, उसका कॉलम इंडेक्स क्या है। सो कॉलम इंडेक्स इज दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स। सो ड्यूरेशन की जो कॉलम इंडेक्स है वो है सिक्स। कॉमा, ट्रू और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पे जीरो डालते हैं। सो इसने बता दिया, हमने वी लुकअप के जरिए हमें पता चल गया कि इनकम टैक्स की जो यहाँ इनकम टैक्स है उसके जो ड्यूरेशन है वो है टू मंथ। ठीक है, नो प्रॉब्लम इसमें। लेकिन अगर मुझे फ़ी जाननी हो इनकम टैक्स की कि फ़ी कितनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहीं से ही अगर मुझे यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगा देती हूँ, लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं फिर से यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे जानना है फी, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से जो है, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था ड्यूरेशन के लिए, वो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फी का कॉलम इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे फी का कॉलम इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। क्या है फी का कॉलम इंडेक्स, टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहाँ पे मुझे टू अगर मैं डालूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स की जो फीस है वो है 6000। बट इसमें क्या जा रहा है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो फिर भी मेरा जो डेटा है वो बहुत ही छोटा है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ
कोर्स की फीस डिस्काउंट या डिस्काउंट अमाउंट, तो मैं फिर भी यहाँ पे जो है वो चेंजेस कर सकती हूँ फॉर्मूले में, जो भी मुझे निकालना है, नेट फी, ड्यूरेशन, वट एवर. बट जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है तब हम इस वी लुकअप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो बार बार हमें चेंजेस ना करना पड़े फॉर्मूलाज में, हम उसके साथ वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब मैच फंक्शन हम यूज़ करके देखते हैं. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही लिस्ट रेडी कर रखी है कोर्सेज की, जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाई है. ठीक है, अब मैच फंक्शन जो है वो बताता है पोजीशन. ठीक है, कि इस कोर्स में उसकी पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे है. और मैच फंक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है एंड टॉप टू बॉटम वर्क करता है. ओके, तो एक बार हम मैच फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं. अब यहाँ पे बोल रहा है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू हमारी जो भी कोर्सेज यहाँ पे हैं, यहाँ पे टैली है तो मैं टैली को सेलेक्ट करूँगी. तो हमें टैली का जो है वो पोजीशन जाननी है टैली की, तो लुकअप एरे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ. रिमेंबर, मैच फंक्शन जो वर्क करता है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम वर्क करता है. ओके, एंड मैच फंक्शन को एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए तो उसके लिए हम ज़ीरो डालेंगे. सॉरी. सो ये बता रहा है कि जो टैली है वो फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे. ठीक है, हमने यहाँ से हमारा जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है टैली से, और टैली जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है. तो अब हम वी लुकअप पर मैच फंक्शन को साथ में अप्लाई करके देखेंगे, जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए. तो वी लुकअप के लिए हम एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पे तैयार करेंगे कोर्सेज का. एक हम लिस्ट तैयार करेंगे, इंग्लिश तक हमने सेलेक्ट कर लिया. सॉरी. अब हम डिटेल्स के, अभी एक डेटा वैलिडेशन हम तैयार करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे डेटा वैलिडेशन पे जाके, जो भी हमारी डिटेल्स हैं ड्यूरेशन तक हम सेलेक्ट करके उसको रेडी कर लेंगे. ओके, तो अब अगर हमें निकालना है हम वी लुकअप प्लस मैच को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं कि टैली में अगर हमें फीस जाननी है टैली की तो क्या हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट करेंगे वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू हमारी है टैली, कॉमा टेबल एरे हमारा है, यहाँ से लेके हम पूरा होल्ड सिलेक्ट करेंगे 4 मंथ तक. हम टेबल एरे अपना यहाँ से सेलेक्ट करेंगे होल 4 मंथ तक, कॉमा. फिर हम यहाँ मैच फंक्शन अपना अप्लाई करेंगे. हमें जानना है हम उसको मैच किसके साथ करेंगे, जो भी हमें डिटेल्स जाननी है, चाहे वो फीस हो, डिस्काउंट हो, वट एवर. तो मैच फंक्शन का फॉर्मूला लुकअप वैल्यू जो है हमारी डिटेल्स में से फी हमें जाननी है अभी, देन लुकअप एरे, रिमेंबर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम. एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, क्योंकि वी लुकअप का भी फॉर्मूला अप्लाई करा है हमने. सो ये आ गया कि टैली के जो फीस है हमारी वो है 6000. अब हमें अगर एडवांस एक्सेल की जाननी है फीस, वो भी है 6000. और अगर हमें एडवांस एक्सेल का नेट फी जानना है तो भी वो गिवन है 5700. सो वी लुकअप प्लस मैच हम इसलिए ही अप्लाई करते हैं कि हमें सारे कोर्सेज और सारे डिटेल जो हैं वो इजीली पता चल जाती हैं. सो आई होप आपको ये समझ आया हो वी लुकअप और मैच फंक्शन कैसे वर्क करता है. थैंक यू सो मच. इफ यू अंडरस्टैंड, so please give a big thumbs up to this video and subscribe to this channel, and please share this video to with your friends. I hope you understood whatever I have taught you today. Thank you so much for watching the video.